चोरी और फ्रॉड के तीन अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए बिलासपुर पुलिस ने आरोपियों से लाखों का सामान जब्त किया है, जिनमें रतनपुर थाने में बैंक से फ्रॉड करके भागने वाले आदतन बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने व्यवसाय के नाम पर बैंक से 38,99,900 से ज्यादा रुपए लिए थे और फर्जीवाड़ा भी किया था। उसके बाद दूसरे मामले में चोरी की गई रकम को पकड़े जाने के डर से अज्ञात चोर प्रार्थी की बाड़ी में छोड़कर भाग गया। बिल्हा पुलिस ने 95,000 रुपए और दस्तावेज जब्त किए हैं। वहीं एक अन्य आरोपी में पचे पड़ी पुलिस ने 12 लाख के जेवर चोरी करने वाले दो चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फेरी लगाने वाले सोने चांदी के जेवर बेचने वाले मां बेटे से 12 लाख के जेवर उड़ा लिए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेवर बरामद किए। पचपेड़ी थाना में एक मामला कल सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति पामगढ़ से जो आया था, वहाँ किसी को वो सोना चांदी बेचने आया था। जब चांदी वो बेच रहा था, तो इसी बीच उसका 200 ग्राम का सोने का जो एक डिब्बा है जिसकी कीमत 12 लाख रुपए, वो अचानक गायब हो गया था। उसने सामने वाले व्यक्ति पे संदेह किया था। वो जब इसमें जाँच की गई तो पाया गया कि सामने जो व्यक्ति है विजय कुमार सूर्यवंशी, उसने उस सोने के डब्बे को गायब कर दिया था। और एक अन्य साथी जो उसका रूपचंद्र राय, जो एक वेब पोर्टल का प्रेस का अपने को संवाददाता भी बताता है, उसके साथ मिलकर के ये पूरी चोरी उसने उन लोगों ने की थी, जिसमें एक मामला 389-34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इसमें रिकवरी भी 12 लाख के जो ज्वेलरी है।